हाय गाइस, वेलकम टू टेलीग्राम। और आज हमारे साथ है भाईचारा ऑन टॉप। ओ भाईचारा ऑलवेज ऑन टॉप। सो वेलकम टू टेलीग्राम गाइस, व्हाट यू हैव टू से थैंक यू सो मच की सक्सेस पार्टी के लिए। यार आई फील कंटेस्टेंट्स, हमने बहुत मेहनत करी है, बट हमसे ज्यादा मेहनत जिसने करी है ना, दैट इज द क्रू। एंड उनके लिए सक्सेस पार्टी डेफिनेटली बनती थी। मैंने तो शो भी करे एज अ कंटेस्टेंट, हम दोनों ने करे, बट हमने देखा कि वो कितनी मेहनत करते हैं पीछे से, मतलब टास्क बनाना, उसके बाद वापस को टास्क को डिसमेंटल करके दूसरी जगह टास्क बनाना। सो हैट्स ऑफ टू द क्रू, हैट्स ऑफ टू द कंटेस्टेंट फॉर मेकिंग द शो सो फैंटास्टिक फॉर श्योर। तो यही है, एंड हमें भी बहुत मजा आया यार, बहुत ज्यादा मजा आया ना। मतलब हूएवर इज कमिंग हियर टुडे, आई फील लाइक दे डिजर्व, चाहे बिहाइंड द कैमरा on camera, they all deserve to be here, and this success party is for everyone. Yes, because the season did well because everyone was involved in it, aur sabka ek haath hai ye season, isliye all of us deserve this success party. Halanki hamari success party finale wale din hi ho gayi thi Goa mein, wo alag tha, hamara season ka alag, but is season ki agar main baat karu, successful to raha aur current versus ex raha, kya kehna chahungi agar is season mein aap dono ko dala jata क्या होता? यार देखो, शुरू में तो क्या है ना, जब हम थे वहां पे तो हमें लग रहा था कि थैंक गॉड, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है जो हमें सीजन में नहीं है, क्योंकि भाई एक्स आ जाती तो मैं तो भैया भक्त ही निकल जाता घर। बट आई फील द शो हैज डन रियली वेल, और कभी ना कभी हमें ये लगता है कि यार काश हम इस सीजन में होते, बट मैं उसी में बिलीव करता हूँ कि जितना मिला है उसमें खुश रहो। एंड ठीक है, ये इस साल की कंटेस्टेंट्स के नाम लिखा हुआ था तो उनको मिला, एंड दे हैव डन अ रियली गुड जॉब। वही जैसा हमें तो मतलब स्टार्टिंग में वी वर लाइक कि अच्छा हो हम एक सीजन में नहीं है, लेकिन जैसे शो खत्म होगा और देखा कि एवरी कंटेस्टेंट्स डूइंग वेल, मतलब भाई अच्छा है, लेकिन एक्स नहीं आता था और अच्छा होता था समझ लो। मतलब ये सीजन में भी सब कंटेस्टेंट्स का एक स्टोरी आ गया था। yes, शायद मैं वो कंटेस्टेंट रहता था जो मेरे एक्स नहीं आता था, तो मैं बहुत खुश होता था, लेकिन वही मतलब, लेकिन अगर हम ये सीजन में थे बहुत कुछ बदलता था। लेकिन लगता नहीं एक्स ने मसाला दिया यहाँ पर आकर? नहीं नहीं, डेफिनेटली दिया। एक्स को अगर मसाला देता था तो आपने खुद के लाइफ में मसाला देता था, शो में क्या मसाला दे रहा है? There is a reason that X is X. Yes, yes. Well, हमें आप दोनों से जानना चाहूंगी, दिग्विजय का कितना आप लोगों को शॉकिंग लगा, कशिश का मूव? यार बहुत तगड़ा शॉक था, बहुत ज्यादा तगड़ा शॉक था। एंड When we were traveling ना, मतलब जब हम जा रहे थे फिनाले की लोकेशन पे, तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था कि कुछ ट्विस्ट आने वाला है, हमको भी पता नहीं था तब तक, बट ये ट्विस्ट है हमें भी नहीं पता था। एंड जब हमने देखा कि यार दिग्विजय इज आउट, तो यार वी वर सैड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग सैड थे, क्योंकि एक होता है ना, एक बंदा जैसे दिग्विजय ने वीडियोस में भी बोला कि अगर मैं हार के मतलब हार जाता, परफॉर्म करके हारता तो बात अलग थी, बट बंदे ने पूरा एक महीना मेहनत करी है टू रीच दैट स्पॉट फिनाले, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसको वही परफॉर्म करने को नहीं मिला, तो इट वाज ऑब्वियसली हार्ट ब्रेकिंग। बट जैसा होता है ना कि आई थिंक सबसे ज्यादा प्यार भी उसी को मिला है शो से, तो एक्चुअल विनर वही दिख रहा है। एग्जैक्टली, तो आई थिंक हो गया बस, ठीक है उसको, और उससे ज्यादा कुछ चाहिए ना भी उस वक्त उसको, आई एम श्योर बुरा लग रहा होगा कि यार ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, बट आई थिंक नाउ ही इज डूइंग गुड, ही इज हैप्पी, एंड सबसे ज्यादा जो कह रहे हो ना उसी को प्यार मिल रहा है, तो डेफिनेटली दिग्विजय। बट वही कशिश को यू नो बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी मिल रही है, क्या कहना चाहो? यार उससे ना मैं बोलना चाहूंगा कि मत करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, उसके अपने चॉइसेस थे, एंड स्पेशली इन रियलिटी शोज ना, व्हेन यू आर देयर आपको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं भी एक बार अपने रोडीज के सीजन में प्रिंस भाई के साथ बैठ गया था, क्योंकि मुझे लगा था कि ये मेरा लास्ट डे हो सकता है, बट वो सर्कमस्टेंस वैसा होता है, सो डोंट ट्रोल, क्योंकि यू नेवर नो शो के बाद कौन दोस्त बन जाए। मैं प्रिंस भाई के साथ आज इतना क्लोज हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तो वो एक सिचुएशन होती है, एंड वो उस वक्त हो गई है, चार महीने पहले हो गई है, तो खत्म करो। वही एज ए कंटेस्टेंट यू आर ऑन द स्पॉट, यू नेवर नो, मतलब उधर तुमको टाइम नहीं है सोचने का, जो तुमको मतलब आपके लिए बराबर लग रहा है वो डिसीजन लोगे आप, एंड यू आर नॉट इन कशिशियस प्लेस, नो वन इज इन कशिशियस प्लेस इन दैट सिचुएशन, व्हाट शी वेंट थ्रू एंड शी डिसाइडेड दिस इज द बेस्ट, वही जो होता है अच्छे के लिए होता है। मे बी दिग्विजय को वो टाइम बुरा लगा हो, लेकिन शायद इससे और उसका इंपैक्ट बढ़ गया है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट। वेल दो कॉम्पिटिटर की बात करेंगे, 8 सेकंड की वजह से यू नो हर्ष, 5 सेकंड तनुज सर बताएगी, 8 सेकंड यस यस अभी बताएगा वो टाइम, तो उन्होंने कहा जस्ट 8 सेकंड की वजह से यू नो
हार गए वो क्या कहना चाहोगे, क्या लगता था आपको दिग्विजय अगर होता तो विनर कौन होता? यार देखो वो तो ऑब्वियसली अगर होता टास्क परफॉर्म करता तो उस वक्त पता चलता, बट इन दोनों में जो परफॉर्मेंस हुई दोनों ने आई एम श्योर अपना 100% दिया है, कौन ट्रॉफी नहीं लेना चाहेगा। और बट यार वो होता है ना, किसी किसी का कभी दिन नहीं होता, तो वही है उस सेमीफिनाले में हर्ष इतना बढ़िया खेल गया था कि वो फिनाले पहुंच गया। और दोनों के लिए, दोनों ने काफी अप्स एंड डाउन देखे, स्पेशली शुभी कमिंग इन द शो और फिर रुशाली और हर्ष अभी तक साथ में। वेरी ऑनेस्टली मुझे रुशाली पसंद थी बट हर्ष मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगता था, बट नाउ आई लाइक देम एज अ कपल, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। एंड आई होप, पता नहीं मेरे को तो सुनने में आ रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है, तो लेट्स सी क्या होता है। ऑल द बेस्ट गाइस। विनर के बारे में क्या कहना चाहोगे, कोई विशेस देना चाहोगे, क्योंकि आप लोगों की क्या फेवरेट है वो विनर? तो यार कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, आकृति एंड जशवंत, दे डिजर्व टू विन। उन्होंने भी काफी मेहनत करी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं करी, एंड आई फील सबसे ज्यादा मेहनत उन्होंने ही करी है, क्योंकि एक टाइम आ गया था जब एवरीवन वाज अगेंस्ट देम एंड स्टिल दे वर देयर, एक दूसरे के लिए खड़े थे। और कहते हैं ना, इन द एंड बेस्ट रिजल्ट क्या होगा, शो जीतना, जीत गए, कांग्रेचुलेशंस, दे प्लेड वेल। और वही मैं जो बोला, सब वो लोग स्टार्टिंग में ही दे डिडंट केयर हु इज देयर फ्रेंड, किसके अगेंस्ट जाएंगे किसके नहीं, बट वो लोग का खुद का एक स्ट्रेटजी था, गेम प्लान था, तुमको हमारे साथ आना है, आओ वरना गेम से बाहर जाओ, खत्म हो गया बात। एंड आई थिंक दैट मेंटालिटी हेल्प देम एंड दे वन द शो। वेल लास्ट टू क्वेश्चन आप दोनों से, पहले तो ये बिग बॉस में आप लोग जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, जाने का कभी प्लान है या नहीं है, क्योंकि दिग्विजय और कशिश के नाम तो आ रहा है, जा रहे हो लोग, नाम आ रहा है, नाम आ रहा है, yes. नाम आ रहा है, तो आई थिंक जाना भी चाहिए। आमिर, यू थिंक वी शुड डू बिग बॉस? मुझे लगता है बिग बॉस को हम दोनों को साथ में लेना चाहिए, फिर सलमान भाई के साइड में ये खड़े होंगे और लेफ्ट में मैं खड़ा होऊंगा, क्योंकि लेफ्ट वाला हाथ उठ जाता है। नहीं ऑब्वियसली यार, मैं बिलीव करता हूँ कि जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मीठा मिलेगा, सही टाइम में मिलेगा, सही टाइम पे मिलेगा, ठीक है, अभी सही टाइम में, कुछ जल्दबाजी नहीं करनी, बट जब किस्मत में लिखा होगा फिर खुद चलते हुए आएगा, किस्मत में नहीं लिखा होगा तो कुछ नहीं होने वाला, बट हुआ तो हम जाके वहाँ भी आग लगा देंगे, क्योंकि शो पे आग लगा ही देते हैं हम लोग, कुछ मिल गया तो वी विल गिव आवर बेस्ट। अभी तक अपॉर्चुनिटी ऑफर वगैरह आए नहीं है? पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं यार, सच बताओ तो आए कि नहीं आए, मैंने अपना मेल नहीं देखा, मैं वही बोला अगर आया भी रहेगा तो वी विल डू इट, बट एट द राइट टाइम, एंड इफ वी डू इट वी विल नॉट लेट द ऑडियंस डाउन। जो भी आ जाए अपने लिए तो प्रिंसेस भी बढ़िया है, प्रिंस भी बढ़िया। यार अभी उनका बेबी शावर हुआ था एंड आई कुडंट मेक इट, मैं इनवाइटेड भी था तो मैं कहीं बिजी था, बट डेफिनेटली मैं उनसे जल्दी मिलने वाला हूँ। सो कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। एक तो इन्होंने वो एक पिक्चर डाली इंस्टाग्राम पे, जो गाड़ी खड़ी है दोनों और वो खड़े हैं, तो वो बड़ी क्यूट लगी मुझे। बाकी प्रिंस भाई मैं जल्दी मिलने आता हूँ, सॉरी यार गाली मत देना। वॉट एवर इट इज, लड़की हो लड़का हो, जो प्रिंस भाई के नसीब में है और वो मिलना चाहिए, ऊपर वाला जो डिसाइड किया है प्रिंस भाई के लिए, लकी चांस। बस यार रियलिटी शो में ना मिले किसी के अगेंस्ट, क्योंकि फिर वो भी जीत जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।